हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। आई एम उत्कर्ष गोस्वामी, योर फिजिक्स टीचर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, ट्वेल्थ फिजिक्स का, किरचॉफ्स लॉ। ओके, किरचॉफ लॉ क्या है, किरचॉफ क्या कहता है और इस लॉ से हम क्या क्या चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे कि किरचॉफ लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, ये किरचॉफ लॉ किस लिए दिया गया था। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनमें कुछ कंडक्टर वायर्स होते हैं, यानी कुछ कंडक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ कंडक्टर, इसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल, इसमें आई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। फिर मैंने इसे एक पॉइंट लिया, यहाँ पर दूसरा कंडक्टर जोड़ दिया, यहाँ पर भी, यहाँ मान लेते हैं आई वन करंट है, यहाँ पर आई टू करंट है। फिर मैंने तीसरा कंडक्टर जोड़ दिया आई थ्री, फिर मैंने चौथा कंडक्टर जोड़ दिया आई फोर। तो जितने भी कंडक्टर मैं जोड़ रहा हूं तो ये फिक्स पॉइंट पर रहेंगे। इस फिक्स पॉइंट को अपन क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। और अगर मैंने एक सर्किट लिया, फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक रेजिस्टर लगाया, दिस इज द रेजिस्टर, दिस इज द ईएमएफ सोर्स, ये हमारा बैटरी है, ये ईएमएफ सोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सोर्स होता है, ठीक है, विद्युत वाहक बल, हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत वाहक बल। ये रेजिस्टर है, ये आपका प्रतिरोध है यहां पर। और यहां पर मैंने क्या किया, इसकी दूसरी ब्रांच में दूसरा सोर्स लिया और यहां पर मैंने एक रेजिस्टर, ये R1 है, ये R2 है, ठीक है। इस तरह से मैंने सर्किट लगा दिया। अब देखो, यहां पर करंट ऐसे फ्लो करेगा, ओके, इस लूप पे करंट ऐसे फ्लो करेगा, इस लूप का करंट भी कुछ इस तरह से फ्लो करेगा, ओके। तो देखिए, किरचॉफ लॉ में ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट कैसे फ्लो करता है, करंट की क्या डायरेक्शन रहती है और कौन कौन सी क्वांटिटीज जुड़ती हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है। तो यहां पर अपन किरचॉफ के दो इंपॉर्टेंट लॉस पढ़ेंगे, ओके। यहां पर जो मैंने डायग्राम बताया, ये आपका जंक्शन है, ये आपका नोड है, ओके, जहां पर बहुत सारे कंडक्टर्स आपस में मिलते हैं। अगर हम बहुत सारे कंडक्टर्स को एक पॉइंट पे जोड़ दें, वो आपका जंक्शन पॉइंट कहलाता है, जिसे हम नोड कहेंगे। ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इस पे हम क्या करेंगे, एक लूप लेते हैं। लूप क्या होता है, कोई भी कंडक्टिंग पाथ जिसमें करंट फ्लो हो रहा है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल ये लूप लिया जो कि इस करंट की डायरेक्शन में है, तो ये जो लूप है, ये वाला कौन सा लूप है, आपका एंटी क्लॉकवाइज लूप, जो कि करंट की डायरेक्शन में है। अगर मान लो मैंने यहां पर आपका ऐसे लूप लिया, ठीक है, ये आपका जो लूप चल रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा था, ये मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन का लूप ले लिया, ओके। तो यहां पर हम कुछ लूप लेंगे, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम एक लूप क्रिएट करेंगे और उसके अराउंड हम जितने भी क्वांटिटीज होंगी उनको हम कुछ ऐड करेंगे और कुछ को सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ, ओके। तो किरचॉफ की सबसे पहले हमें लॉ समझनी पड़ेगी कि किरचॉफ कहता क्या है। तो सबसे पहले देखिए, किरचॉफ के लॉस को अगर समझते हैं, तो फर्स्ट लॉ हमारा आ रहा है लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके। फर्स्ट लॉ क्या कहता है किरचॉफ का, जिसे करंट लॉ कहते हैं। तो करंट लॉ क्या कहता है कि किसी भी नोड पर, यानी किसी भी जंक्शन पर अगर करंट पास होता है, किसी भी जंक्शन पर अगर करंट पास होता है, दिस इज द I1 करंट, दिस इज द I2 करंट एंड दिस इज द I3 करंट, ये हमारा O पॉइंट है, जंक्शन पॉइंट है, ये हमारा नोड पॉइंट है। किरचॉफ का जो फर्स्ट लॉ है, इसे अपन करंट का लॉ कहेंगे। तो ये क्या कहता है कि अगर नोड पर करंट पास हो रहा है, अ करंट पासिंग थ्रू द नोड, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द नोड इज जीरो। यानी कि हिंदी में कहें तो नोड बिंदु पर जितना भी करंट आएगा, जितना भी धारा प्रवाह होगा, उसका बीजगणितीय योग शून्य रहेगा, यानी कि उसका एल्जेब्रिक सम जीरो रहेगा। यानी कि एट ओ, यानी कि नोड पर सिग्मा आई की वैल्यू जो है वो जीरो रहेगी। दिस इज द फर्स्ट लॉ, ओके। यानी कि मैं कहूंगा कि I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है, हमारा करंट लॉ है, ठीक है। तो करंट लॉ क्या कहता है कि अगर नोड बिंदु पर, नोड पॉइंट पर करंट आ रहा है, ठीक है, तो उसका एल्जेब्रिक सम जीरो होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये पॉइंट लिया मैंने आपका, ठीक है, यहां से करंट आ रहा था और यहां से करंट जा रहा था, ठीक है।
तो किरचॉफ तो क्या कहता है कि इन दोनों का एल्जेब्रिक सम क्या होगा, जीरो होगा, यानी कि आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो। अब यहां मैंने माइनस क्यों लगाया, साइन कन्वेंशन भी ध्यान रखना है आपको कि अगर नोड की तरफ, अगर आपका करंट नोड की तरफ आ रहा है, ये नोड पॉइंट है, वो नोड की तरफ करंट आ रहा है, तो करंट की डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है। अगर आपका ये नोड पॉइंट है, अगर करंट नोड पॉइंट से, नोड बिंदु से दूर जा रहा है, तो आपको कौन सा साइन लेना है, नेगेटिव साइन लेना है करंट। तो देखो ये नोड पॉइंट है हमारा, यहां पर करंट आ रहा था तो पॉजिटिव आई वन, यहां से दूर जा रहा है तो नेगेटिव आई टू। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट्स पासिंग थ्रू द जंक्शन पॉइंट और नोड पॉइंट इज जीरो, सो आई वन माइनस आई टू इज इक्वल टू जीरो। यानी इससे हमें क्या पता चला, आई वन इज इक्वल टू आई टू, यही किरचॉफ लॉ है। यानी नोड बिंदु से जितना करंट आता है उतना ही करंट वापस जाता है, ये हमारा करंट का, सॉरी किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो ये होप कि आपको लॉ समझ में आया होगा, करंट लॉ। तो जंक्शन पॉइंट पर जितना भी करंट आएगा, ठीक है, करंट पासिंग थ्रू द जंक्शन पॉइंट, उसका एल्जेब्रिक सम जीरो होगा, यानी कि जितना करंट इसमें आया, द करंट पासिंग इनटू द जंक्शन इज इक्वल टू द करंट पासिंग आउट द जंक्शन। यानी जितना करंट आता है जंक्शन पे उतना ही करंट वापस जाता है, आई वन इज इक्वल टू आई टू। साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, करंट अगर नोड की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव है, करंट अगर नोड से दूर जा रहा है तो नेगेटिव। दिस इज द किरचॉफ फर्स्ट लॉ ऑफ द किरचॉफ, ठीक है, करंट वर्सेस वोल्टेज। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं करंट किरचॉफ के सेकंड लॉ पर, जिसे वोल्टेज लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज लॉ। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, देखिए कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, फॉर एग्जाम्पल अपन ये सर्किट ले लेते हैं, ये हमारा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसमें ईएमएफ सोर्स है और एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर को मैं आर1 कहता हूं और ये ई1 आपका ईएमएफ सोर्स है, और यहां पर भी चलो एक अपन मान लेते हैं रेजिस्टर, ये रेजिस्टर मैंने लगा दिया, दिस इज द आर2 रेजिस्टर, और यहां से एक और सर्किट चल रहा है जिसका बैटरी यहां पर लगा दी मैंने, दिस इज द सेकंड सोर्स ई2 एंड दिस इज आवर रेजिस्टर R3, ओके, यहाँ पर भी लगा देते हैं, चलो ये वाला, दिस इज द R4। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, R1, R2, R3, R4 रेजिस्टर्स उसमें जुड़े हुए हैं, दो लूप्स हैं यहाँ पर, दो इलेक्ट्रिक सर्किट हैं आपस में कनेक्टेड हैं, पहले वाले सर्किट का EMF सोर्स E1 है, दूसरे वाले सर्किट का EMF सोर्स E2 है। तो किरचॉफ का वोल्टेज लॉ क्या कहता है, किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में, in any electrical circuit loop, किसी भी electric circuit के एक loop में जो potential होता है, जो potential difference होता है और जो EMF होता है, उसका algebraic sum हमेशा zero होता है, हमेशा क्या होता है, zero होता है। यानी कि voltage law क्या कहता है कि summation of V प्लस समीशन ऑफ E इज इक्वल्स टू जीरो, यानी कि V क्या होता है, IR, एंड समीशन ऑफ EMF सोर्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। ये आपका क्या कहता है, वोल्टेज को। तो वोल्टेज में ने क्या कहा कि अगर एक सर्किट लूप लेंगे हम, कोई भी सर्किट लूप लिया, ये मैंने आपका लूप ले लिया, ओके, ये एक सर्किटल लूप है, इसमें जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस आ रहे हैं और जितने भी EMF सोर्सेज आ रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। ये हमारा EMF, ओके, इसको ऐसे लिखते हैं EMF, ये क्या है हमारा EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल आपका IR होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो V is equals to IR, तो समीशन ऑफ IR प्लस समीशन ऑफ E is equals to zero, दिस इज द वोल्टेज लॉ, ओके। यानी कि हिंदी में कहें तो किसी भी सर्किट लूप में, किसी भी एक परिपथीय लूप में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि आपका विद्युत विभव, ठीक है, यानी हम इसे क्या कहेंगे, विभवांतर और विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होगा। किसी भी सर्किट लूप में विभवांतरों व विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग शून्य होता है,
The algebraic sum of potential differences and electromotive force in any loop of electric circuit is always equals to zero. This is our voltage law. This is the second law of Kirchhoff. Okay. अब देखो इसमें साइन कन्वेंशन का आपको याद रखना है. मेन क्या है साइन कन्वेंशन, ठीक है? साइन कन्वेंशन समझना है फिर हम इस सर्किट के लिए भी बनाएंगे. तो एक लूप लेंगे हम, इसको हम कुछ नाम दे देंगे ए बी सी डी ई एफ. अब हम एक लूप लेंगे, दोनों का लूप लेके मैं आपको पूरी कैलकुलेशन करके बताऊंगा किस तरह से ये लॉ अप्लाई होता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में. ओके, तो ये एक बेसिक था किसका, किरचॉफ के दोनों लॉस का. फर्स्ट लॉ हमें कहता है कि इलेक्ट्रिक करंट जंक्शन पे जितनी भी करंट आती है उतनी करंट वापस जाती है, मतलब एल्जेब्रिक सम करंट का जंक्शन पॉइंट पे नोड पॉइंट पे जीरो होता है. सेकंड लॉ हमें कहता है कि वोल्टेज का और ईएमएफ का किसी भी एक सर्किट में, किसी भी सर्किटल लूप में वोल्टेज का और ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम हमेशा क्या रहेगा, जीरो रहेगा. यानी कि समीशन ऑफ आई आर प्लस समीशन ऑफ ई इज इक्वल्स टू जीरो. अब मेन आता है साइन कन्वेंशन. देखो साइन कन्वेंशन में आपको याद रखना है, साइन कन्वेंशन में आपको क्या याद रखना है कि अगर आपने करंट की डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हो, अगर आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, करंट की डायरेक्शन, फॉर एग्जांपल ये आपका रेजिस्टर है, ठीक है, इसका पोटेंशियल यहां पर मान लो ये ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है, और इस पे डायरेक्शन करंट की एस है, ये आपका I करंट फ्लो हो रहा है, ये आपका R रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर I R क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा. ओके, सो इस रेजिस्टर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो I R का होगा. अगर मान लो आपको B पर पोटेंशियल चाहिए, किरचॉफ के सेकंड सर्किटल लॉ से या वोल्टेज लॉ से अगर आपको B पर पोटेंशियल चाहिए तो B पर पोटेंशियल कैसे निकालोगे, पोटेंशियल एट B इज इक्वल्स टू, अब आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी यहां पर, पोटेंशियल ऑफ बी निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं, करंट की डायरेक्शन पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एट जो बी होगा ना वो हमेशा वी का पोटेंशियल माइनस आई आर होगा, ठीक है? यानी कि यहां पर नेगेटिव साइन हमने लिया है. अगर आप करंट की डायरेक्शन पे चलोगे तो पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव रहना चाहिए, यानी कि माइनस ऑफ आई आर. अगर आप करंट की डायरेक्शन पे चलते हो, अगर आपने लूप ऐसे लिया, फॉर एग्जांपल करंट इस पे ऐसे फ्लो हो रहा और मैंने लूप कैसे लिया, ऐसे लिया, ठीक है? जैसे यहां पर देख लीजिए, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है और मैं लूप इस डायरेक्शन पे लूंगा तो जितने भी यहां पर रेजिस्टर्स आ रहे हैं इन पर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा नेगेटिव लेना है मुझे. तो करंट की डायरेक्शन पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है. VB इज इक्वल टू VB पर निकालना है ना, जो B पर निकालना है, तो मैं इस डायरेक्शन पे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं मैं, इन द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन पे, विद्युत धारा की दिशा में चल रहा हूं, तो यहां पर पोटेंशियल जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है? तो B पर पोटेंशियल क्या हुआ, VA माइनस IR. अब मान लो मुझे ऐसे चलता, मुझे A पर पोटेंशियल चाहिए था, करंट ऐसा ही है, करंट की डायरेक्शन यही है, करंट की डायरेक्शन क्या है, यही है, पर मुझे पोटेंशियल कहां चाहिए, A पर चाहिए. अब देखो इस फॉर्मूले से भी आप निकाल सकते हो कि A पर पोटेंशियल क्या होगा, IR को उधर भेजो तो पॉजिटिव हो जाएगा. यानी कि सेकंड साइन कन्वेंशन क्या बनता है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन के अपोजिट चल रहे हो, अगर आप यहां पर पोटेंशियल IR बनेगा, I क्वांटिटी का करंट यहां पर फ्लो हो रहा है, मुझे A पर पोटेंशियल चाहिए, करंट की डायरेक्शन ऐसे, A पर पोटेंशियल निकालने के लिए मुझे ऐसे चलना पड़ेगा, तो डायरेक्शन मैं कैसे लूंगा, ऐसे. अब मैं करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हूं, करंट ऐसे चल रहा है, मैं ऐसे चल रहा हूं, तो ध्यान रखना A पर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा. क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा. तो A पर पोटेंशियल कैसे निकालेंगे अपन, VB का पोटेंशियल प्लस IR. ओके, तो ये आपके दो साइन कन्वेंशन में आपको बताए कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस की जो साइन रहेगा करंट की डायरेक्शन पे नेगेटिव रहेगा. किसी भी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल निकालना है यूजिंग वोल्टेज लॉ और सर्किटल लॉ, इसको ध्यान रखना, सर्किटल लॉ भी कहते हैं, ठीक है, परिपथीय नियम. ओके, तो यहां पर ध्यान रखना, ये आपका वो वाला एम्पीयर सर्किटल लॉ नहीं है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट लॉ, दिस इज द इलेक्ट्रिक सर्किट लॉ, नॉट एम्पीयर सर्किटल लॉ, वो डिफरेंट है बिल्कुल, ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट लॉ है, विद्युत परिपथ नियम.
तो ये आपका किरचॉफ का वोल्टेज लॉ कहलाता है। और यहां पर अगर आपको इस लॉ का यूज करके बी पर पोटेंशियल निकालना है तो ए पर पोटेंशियल माइनस आई आर करना है। अगर आप करंट की डायरेक्शन पे चलोगे, करंट की डायरेक्शन पे पोटेंशियल नेगेटिव होगा, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। तो अगर मुझे ए पर पोटेंशियल निकालना है तो मैं ऐसे चलूंगा, बी से ए की तरफ चलूंगा। तो बी से ए की तरफ चल रहा हूं मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन पे, करंट की दिशा के विपरीत दिशा में चल रहा हूं, तो यहां पर पॉजिटिव साइन लेना है। ओके, अंडरस्टूड। तो ये था आपके पोटेंशियल के बारे में। अब ईएमएफ का भी देख लो, ईएमएफ का भी क्या लोचा है देखते हैं। तो ईएमएफ का लोचा समझना है आपको कि अगर मान लो यहां पर एक ईएमएफ सोर्स आता है, दिस इज द ए पॉइंट एंड दिस इज द बी पॉइंट, एंड यू हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एट बी। अगर आप इस डायरेक्शन पे चल रहे हो, आपको बी पर क्या निकालना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। फॉर एग्जाम्पल इस डायरेक्शन पे आप चलोगे, इस डायरेक्शन पे आपको चलना है, तो यहां पर आप देखो, ध्यान से देखना, आप ऐसे चल रहे हो, ये मान लो करंट किस होगा, करंट अपोजिट होगा, करंट ऐसे निकलेगा, ठीक है। अब यहां देखो करंट की डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है, करंट की डायरेक्शन का यहां कोई रोल नहीं है, क्योंकि अगर आपने लूप की जो डायरेक्शन ली है, चाहे वो क्लॉकवाइज ली हो चाहे एंटी क्लॉकवाइज ली हो, तो आपको ऐसे ही चलना पड़ेगा, आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है तो आपको पूरा सर्किट क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ही सॉल्व करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे चलता हूं, यहां से क्लॉकवाइज कैसे रहेगा, ऐसे ए बी सी डी ए, तो यहां पर देखो अगर मैं यहां आता हूं, यहां पर तो माइनस आई आर हो जाएगा, यहां पर मैं आऊंगा तो यहां पर सबसे पहले कौन सा टर्मिनल आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है और ये आपका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे चल रहा हूं, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव की तरफ, बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा हूं, तो ध्यान रखना ईएमएफ हमेशा, इसका ईएमएफ मान लेते हैं 1 है, तो ईएमएफ हमेशा नेगेटिव हो जाएगा, ईएमएफ हमेशा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे बी पर ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ एट बी, और मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरी डायरेक्शन ऐसे है, तो बी पर ऐसे इस तरह से चलूंगा तो यहां पर पॉजिटिव आया, तो ए पर पोटेंशियल, सॉरी ए पर ईएमएफ माइनस E1, ओके। तो B पर जो EMF आएगा, वो A के EMF में से इसका EMF माइनस करने पर है, क्योंकि मैं ऐसे चलता हूँ। तो अगर आप लूप में चलते हो और अगर आपका पॉजिटिव टर्मिनल पहले आता है और नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, अगर आप लूप में ऐसे चल रहे हो, इस डायरेक्शन पे चल रहे हो, कि अगर आपको बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पहले मिलता है तो साइन आपको नेगेटिव लगा रहा है, साइन आपको क्या लगा देना है, नेगेटिव लगा देना है, क्योंकि आपको पता है कि पॉजिटिव प्लेट पर हाई पोटेंशियल होता है। तो बी पर पोटेंशियल निकालने के लिए इसके पोटेंशियल में से इसका पोटेंशियल माइनस कर देंगे, तो ईए माइनस ईवन हो जाएगा, ओके, बी पर पोटेंशियल। अगर मान लो कंडीशन इस तरह से रही कि पहले आपका नेगेटिव टर्मिनल आ रहा, पहले आपका ये बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट है, अब मुझे A पर पोटेंशियल चाहिए, कहां पर पोटेंशियल चाहिए, A पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चाहिए, विद्युत वाहक बल चाहिए, कि A पर कितना विद्युत वाहक बल है, तो मैं क्या करूंगा, ये डायरेक्शन पकड़ूंगा, डायरेक्शन कैसी रही, ऐसी रही। अब पहला कौन सा टर्मिनल आ रहा है, नेगेटिव टर्मिनल पहले आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है, तो अगर डायरेक्शन उल्टी है, मतलब कि नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव है, अगर आप लूप में इस तरह चल रहे हो, इस तरह आपने लूप लिया है कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है, पॉजिटिव टर्मिनल बाद में आता है, तो आपको ए पर पोटेंशियल ई बी, इसका मान लेते हैं इवन पोटेंशियल है, सॉरी पोटेंशियल नहीं, मेरे मुंह से पोटेंशियल निकल रहा है, दिस इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ओके, विद्युत वाहक बल। तो अगर आपको ए पर विद्युत वाहक बल निकालना है, तो बी के विद्युत वाहक बल में ईवन को हम ऐड कर देंगे। अगर तो बात क्या हुई, कंक्लूजन क्या निकला, कि अगर आप पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो ईएमएफ नेगेटिव रहेगा, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो ईएमएफ पॉजिटिव रहेगा। ऐसे याद रखिए, आप कहां जा रहे हो, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हो ना, तो आपका पोटेंशियल, आपका ईएमएफ नेगेटिव हो रहा है, तो आपको साइन नेगेटिव रखना है।
अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो आपका पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, सॉरी आपका ईएमएफ इंक्रीज हो रहा है, तो आपको ईएमएफ को क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। पॉजिटिव से नेगेटिव में ईएमएफ नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो तो ईएमएफ नेगेटिव रह जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव से नेगेटिव में नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव में पॉजिटिव लेना है। तो ये आपका, मैंने आपको दोनों साइन कन्वेंशन बता दिए, पोटेंशियल का भी बता दिया और आपको ईएमएफ का भी बता दिया। दिस इज द वोल्टेज लॉ ऑफ अ ऑफ किरचॉफ, ये किरचॉफ का वोल्टेज लॉ है। एक कैपेसिटर का भी देख लो, कैपेसिटर में क्या होता है, अगर आपका कैपेसिटर ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और अगर आपने एक्स डायरेक्शन को पकड़ा तो सेम टू सेम ईएमएफ की तरह करना है काम। अच्छा, कैपेसिटेंस होती क्या है, Q is proportional to V होता है, तो Q is equals to CV आता है, तो आपका जो C की वैल्यू है वो Q by V होती है। तो आपको पता होगा कि जो कैपेसिटेंस होती है वो Q divided by V होती है, तो ये सबको पता है। तो यहाँ पर जो कैपेसिटेंस बनेगी वो Q by V बनेगी, मान लेते हैं। अब देखो, अगर मुझे ये दो पॉइंट है मेरे पास, तो मुझे कैपेसिटेंस निकालनी है फॉर एग्जाम्पल, और मान लो यहां पर आपका बीच में क्या आ रहा है, कैपेसिटर आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, यहां पर आपका कैपेसिटर आ रहा है। ओके, तो देखो बीच में कैपेसिटर आ रहा है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए जो आपको पोटेंशियल निकाला जाएगा, तो पोटेंशियल क्या बनेगा, पोटेंशियल मान लो फॉर एग्जांपल आप इस डायरेक्शन पे चल रहे हो, पॉजिटिव डायरेक्शन से नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो, तो आपको यहां पर पोटेंशियल निकालना है। पोटेंशियल क्या बनेगा, आपको पता है पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज पोटेंशियल, यहां पर जाना था पोटेंशियल निकालने का Q by C, V is equals to क्या होगा, Q by C, because हम जानते हैं C क्या होता है, Q by V होता है, तो V is equals to क्या होगा, Q by C होगा, तो हमारे पास यहां पर पोटेंशियल आ जाएगा Q by C। अब देखो, अगर आप इस डायरेक्शन पे जा रहे हो तो आपको B पर पोटेंशियल निकालना है, तो आपका बिल्कुल यही लॉ लगाना है। अगर आप कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पहले नजर आती है और नेगेटिव प्लेट बाद में नजर आती है, मतलब डायरेक्शन क्या रही है आपकी, पॉजिटिव से नेगेटिव, अगर आपकी डायरेक्शन पॉजिटिव प्लेट से कैपेसिटर की बात हो रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो, मतलब आप इस डायरेक्शन पे चल रहे हो, तो B पर पोटेंशियल क्या बनेगा, VA माइनस Q by C, यहां पर नेगेटिव हो जाएगा पोटेंशियल। ओके, और अगर इसका जस्ट उल्टा, अगर कैपेसिटर में नेगेटिव प्लेट पहले आती है, पॉजिटिव प्लेट बाद में आती है, मतलब डायरेक्शन आपकी क्या रही, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव की तरफ रही, अगर आपकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, तो आपको मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज अवर बी पॉइंट एंड दिस इज अवर ए पॉइंट, तो अगर मान लो आपको ए पर पोटेंशियल निकालना था तो क्या हो जाएगा, बी पर पोटेंशियल प्लस क्यू बाय सी। तो अगर कैपेसिटर बीच में आ जाए सर्किट के, और अगर कैपेसिटर आपका जो सर्किट है, आपने जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लूप लिया है, लूप की डायरेक्शन इस तरह है कि कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट पहले आ रही है, नेगेटिव प्लेट बाद में आ रही है, तो आपको पोटेंशियल नेगेटिव लेना है, नेगेटिव क्यू बाय सी लेना है, तो वी बी बी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वी ए माइनस क्यू बाय सी। अगर आपकी डायरेक्शन इस तरह है कि नेगेटिव प्लेट पहले आ रही है, पॉजिटिव प्लेट बाद में आ रही है, यानी कि आपकी डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव है लूप की, तो यहां पर VA is equals to VB plus Q by C कर देना है। ओके, तो ये आपके लॉस है, ये आपका मैन साइन कन्वेंशन भी आपको बता दिया, किरचॉफ लॉ का, किरचॉफ के दोनों लॉस मैंने आपको बता दिए, और साइन कन्वेंशन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसके कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, और इस सर्किट का सबसे पहले कुछ डायग्राम बनाएंगे, इसका कुछ इक्वेशंस बनाएंगे, इसमें कौन कौन सी इक्वेशंस बनेंगी, दो लूप लेंगे और दोनों लूप के लिए हम कुछ इक्वेशंस डिराइव करेंगे, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, तो वो हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं, ये सेशन एक बेसिक सेशन रहा जिसमें मैंने आपको दोनों लॉस और उनके साइन कन्वेंशन के बारे में बताया। तो वीडियो आज इतना ही रहेगा, नेक्स्ट सेशन में हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो चैनल में नए आ रहे हैं स्टूडेंट्स, जो नए लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा उनसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि एक अच्छे कंटेंट और एक अच्छे वीडियोज में आपके सामने ला सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।